आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजगढ़ जिले में शत प्रतिशत मतदान के लिए जिला प्रशासन लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लोकतंत्र के इस महाकुंभ में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे, देश में एक ईमानदार सरकार बनाई जा सके। राजगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा ब्यावरा बस स्टैंड पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनोखा तरीका निकाला है। यहाँ प्रशासन ने गाड़ी बुला रही है कि थीम पर स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भोपाल संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव और आईजी जयदीप प्रसाद ने बसों को गाड़ी बुला रही है कि गाने के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। थोड़ा थोड़ा सा पीछे आ जाओ शिवराज जी, ब्रेक में जिला प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बस चालकों के लिए 12 मई को देख सकते और ये मतदान के लिए हम प्रेरित करेंगे। हम सभी को इन पेन ड्राइव के माध्यम से ऐसे गीत और जिंगल्स भी वहां दे रहे हैं हमारे कलेक्टर महोदया का। मतदान व राजगढ़ का मत राजा जैसे स्लोगन लिखी टी शर्ट जारी की, जिसे पहनकर चालक बसों को चलाएंगे और बसों में बैठे यात्रियों को 12 मई को होने वाले मतदान के लिए जागरूक करेंगे। इसके साथ ही बसों पर स्टिकर और नए टिकट बुक और सब्जी थैली की लॉन्चिंग की सब्जी थैलों की लॉन्चिंग की। आज का जो ये कार्यक्रम हमने प्लान किया था, जैसे कि आप सबको पता है कि जो स्वीप एक्टिविटी होती है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन पार्टिसिपेशन, जिसमें जो मतदाता होते हैं उनको जागरूक किया जाता है कि वो अपने भाग महत्वपूर्ण मत उसका उपयोग करें और जो हमारे प्रजातंत्र है उसको और स्ट्रॉन्ग करें और स्ट्रेंथन करें। तो इसी के तारतम्य में मुझे याद है आज से 15 दिन पहले हम लोग स्वीप की एक कार्य योजना इस जिले के लिए बनाने के लिए बैठे थे रविवार के दिन, और उस दिन हमने बैठ कर भी ये जब असेस किया कि एग्जैक्टली क्या कारण है कि मतदाता जो है वो वोट नहीं करता है, तो उसमें ये बात सामने आई कि एक तो राजगढ़ जिले का मत प्रतिशत पिछले विधानसभा चुनाव में 82% था जो कि पहले से ही मत राजा बढ़िया कैची स्लोगन है, जो महाराजा होते हैं वही मत राजा हैं, तो महाराजा जैसा ही ट्रीटमेंट मत राजाओं का होना चाहिए, मत राजा और मत महारानियों का मैं थोड़ा सा उसको करेक्ट करना चाहूँगा। तो बहुत अच्छा लगा जो कैची स्लोगन और जो उत्साह अभी मत राजाओं में मत रानियों में जो दिखा है वो काबिले तारीफ है। जैसा कि मुझे बताया गया कि जैसा मुझे मालूम भी है कि 82% जो पूरे मध्य प्रदेश में अग्रणी रहा है आपका राजगढ़ जिला, तो एक आपकी जवाबदारी बढ़ जाती है। पिछले साल विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतों का प्रतिशत आपके जिले में रहा, ये शो करता है कि आप कितने अवेयर हैं कितने जागरूक हैं, लेकिन आपकी जो प्रतिस्पर्धा है पूरे देश में है, तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में आप नंबर वन रहेंगे। कि ये गाड़ी बुला रही है और पोलिंग स्टेशन को जाने की जो उत्साह है वो उसमें आप सबसे अग्रणी रहेंगे। गाड़ी बुला रही अपने आप में इतना बढ़िया गाना है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे बचपन में हम लोग इस गाने को खूब गाते थे स्कूल में, जब खड़ा कर दिया जाता था गाना गाओ तो गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है गाते थे। बहरहाल जिला प्रशासन के मतदाता जागरूकता अभियान का आम मतदाताओं पर कितना असर पड़ता है ये मतदान के बाद ही पता चलेगा, लेकिन लोकतंत्र के इस महाकुंभ अपने मताधिकार का प्रयोग सभी को करना चाहिए। INC 24 न्यूज के लिए राजगढ़ से विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट।